कि सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण के तहत आज पूर्वी सिंहभूम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 230 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपकी सरकार आपके द्वार, 230 योजनाओं की दी सौगात। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत सोमवार को जमशेदपुर में बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं का तोहफा लोगों को दिया। मुख्यमंत्री ने मानगो पुल से फ्लाईओवर निर्माण कार्य का शिलान्यास और महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं के खाके की भी जानकारी दी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो वहीं उच्च शिक्षा के महत्व पर भी सीएम ने बात की। लगभग सभी जिले में बाईपास बन चुका है, लेकिन जमशेदपुर शहर के लिए अभी तक कोई बाईपास नहीं बना, और ये बहुत बड़े पैमाने पर एक योजना बनाने की तैयारी के लिए हमने विभाग को कहा है, जो दो जिला को कनेक्ट करेगा। ये जमशेदपुर और सरायकेला जिला को कनेक्ट करेगा। बात यह है कि हम आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग की आय में वृद्धि कैसे हो, वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये परिकल्पना ही दूर हो गया था कि यहां का आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बाहर में हम अपना बाल बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करा पाएंगे, लेकिन सरकार ने ये कानून बनाया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि अब यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ों का बच्चा विदेश में पढ़ेगा और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर भी जमकर हमले किए। पेट में तो दर्द होना ही था, लेकिन बहुत चुनौतियों के बाद ये राज हमें मिला और आज भी ये राज संघर्ष कर रहा है, सरकार संघर्ष कर रही है। अनेक चुनौतियों का चौतरफा हमला इन लोगों ने भेड़ियों की तरह कर रखा है। अपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार जारी है। बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की जा रही है। मनीष मेहता के साथ आशीष तिवारी, जी मीडिया, जमशेदपुर।